मिठनपुरा चौक रमना स्थित मैनेजमेंट कॉलेज वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट में इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डीसी राय ने दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने कहा कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। उन्होंने निजीकरण का विरोध किया किंतु अन्य क्षेत्रों में निजीकरण का समर्थन किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर सी के पी शाही, डॉक्टर डी के दास एवं डॉक्टर ऋषभ रंजन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शैक्षणिक सत्र में अतिथियों का स्वागत डॉक्टर शुभंकर बोस ने किया तथा संगोष्ठी के समापन पर निष्कर्षों पर एक संक्षिप्त भाषण डॉक्टर गुंजन कुमार ने दिया। महिमन संचालन डॉक्टर एन बानो एवं प्रोफेसर चांदनी ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन संस्थान के प्रशासनिक पदाधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार द्वारा किया गया। मौके पर डॉक्टर अमिताभ पांडे, प्रोफेसर शिवम कुमार, विशाल रंजन, अहमद अर्शद एवं अन्य गैर शैक्षणिक कर्मचारी उपस्थित रहे। आपसे मैं बता दूं कि मैं कामन में फेलोशिप पर इंग्लैंड में था 10 हज़ार 11 9 10। हमारे साथ एक और कामन में फेलो इंडिया से गई थी और वहाँ जाने के बाद उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट से कहा कि मैं अपनी दोनों बेटियों को बहुत मिस करा रही हूँ, हमको अपनी दोनों बेटियों को बुलाने की परमिशन दिया। देखिए, या तो आप बात कर लीजिए या मैं बोल मैनेजमेंट बहुत खराब है। एक सेमिनार कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, पहले तो आप लोग इसी ट्रेनिंग कर लीजिए तो उसके बाद सेमिनार ऑर्गेनाइज करिए। न तो टाइम मैनेजमेंट आपका है, ऑडियंस आपके पास बिल्कुल नहीं है, 2 दिन के सेमिनार में आपके 50। और यह पाया गया कि देश में इतनी गैर बराबरी, इतनी आर्थिक असमानता इससे पहले कभी नहीं गई। तो उदारीकरण की अर्थनीति का जो एक बड़ा प्रभाव है वह है कि समाज में गैर बराबरी, इस राष्ट्र में गैर बराबरी बड़े पैमाने पर बढ़ी। दूसरी जो हमारी अर्थव्यवस्था की बड़ी चुनौती रही है वह चुनौती रही है माइग्रेशन की। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लोग पढ़ाते रहे हैं कि प्रवासीपन की प्रक्रिया ने साहित्य की अंतर्वस्तु को किस रूप में बदला। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।